मीटिंग पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने, बीजेपी सांसदों और विधायकों ने की केजरीवाल से मुलाकात। मनोज तिवारी की अगुवाई में पहुंचे थे बीजेपी नेता। केजरीवाल के मुताबिक मीडिया की मौजूदगी पर बीजेपी नेताओं को था एतराज। बीजेपी के तीनों विधायक और एमसीबी के मेयर भी थे मौजूद, बातचीत के दौरान बढ़ा बवाल। हंगामे के बाद बातचीत का माहौल बिगड़ा, पुलिस सुरक्षा में, सीएम आवास से निकल गए बीजेपी नेता, पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत। बीजेपी नेताओं के जाने के बाद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एलजी चाहेंगे तो नहीं होगी सील। केजरीवाल ने कहा मीडिया की मौजूदगी में बातचीत करने को तैयार नहीं थे बीजेपी नेता, समाधान को लेकर नहीं थे गंभीर। उन्होंने चर्चा नहीं की, मैं गिड़गिड़ाता रहा। केजरीवाल ने बताया सीलिंग पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है सरकार। दिल्ली में सीलिंग पर सियासत जारी, आज केजरीवाल ने उपराज्यपाल से मांगा मुलाकात। में सीलिंग को लेकर कारोबारियों का विरोध जारी, 2 और 3 फरवरी को राजधानी में किया है बंद का ऐलान। कासगंज हिंसा के बीच बरेली के डीएम की फेसबुक टिप्पणी को लेकर बवाल, कासगंज तिरंगा यात्रा पर दी प्रतिक्रिया। डीएम ने लिखा था अजब रिवाज बन गया है, मुस्लिम मोहल्लों में जबरदस्ती जुलूस और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओ। टिप्पणी पर बरेली डीएम आर्य विक्रम सिंह ने कहा चीन बड़ा दुश्मन है तो चीन मुर्दाबाद के नारे क्यों नहीं लगाते। जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं स्टेट में आ रही हैं हम लोगों के सामने, अधिकारी हमने कि एग्रेसिव होना, अनायास पुलिस परमिशन सीख न करना, डिफाई करना, इससे बड़ी परेशानियां पैदा होती। कासगंज के डीएम को भी सीएम की फटकार, मीडिया ने तय सरकारी लाइन से आगे जाकर बोलने पर थी आपत्ति। कासगंज हिंसा मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन, डीएम ने कहा हफ्ते 10 दिन में पूरी साजिश बेन। कासगंज के डीएम आरपी सिंह का खुलासा, चंदन गुप्ता को छत गई थी गोली। गोली जो लगी है गोली का एंगल देखने से यह प्रतीत होता है कि ऊपर से गोली चलाई गई, यानी छत से गोली चलाई गई है। कासगंज हिंसा मामले में एसपी पर गिरी गाज, सुनील सिंह को हटाकर पीयूष श्रीवास्तव को सौंपी गई जिम्मेदारी। कासगंज हिंसा मामले में अब तक 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार, 6 FIR दर्ज। कासगंज में हालात अब पूरी तरह, शहर में पीएसी की 7 और आरएएफ की 2 कंपनी तैनात। यूपी के एडीजी आनंद कुमार ने कहा हिंसा सुनियोजित थी या नहीं इसकी एसआईटी जांच करेगी। कासगंज हिंसा पर आदित्यनाथ ने साधी चुप्पी, गोरखपुर में पत्रकारों के सवाल का नहीं दिया जवाब। कानून व्यवस्था के साथ साथ मैं कहूंगा केंद्र की भी जिम्मेदारी बनती है, झंडा फहराने को लेकर ये फसाद हुआ है और जिसकी वजह से एक बच्चे की जान गई है। कासगंज के डीएम ने मृतक चंदन के परिजनों से की मुलाकात, नाराजगी के बीच सौंपा 20 लाख का। कासगंज में धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है जिंदगी, हिंसा के 4 दिन बाद खुले। कासगंज में हुई हिंसा के विरोध में आगरा में वीएचपी प्रदर्शन, पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा देने की मांग। दिल्ली में मानवता हुई शर्मसार, नेताजी सुभाष पैलेस इलाके में 8 महीने की बच्ची से दरिंदगी, अस्पताल में भर्ती घायल बच्ची की हालत नाजुक। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अस्पताल जाकर पीड़ित परिवार की मुलाकात। मासूम को हवस का शिकार बनाने वाला दरिंदा उसके चाचा का लड़का, पुलिस बच्ची को भाई के घर छोड़कर पत्नी के साथ मजदूरी गया था पिता, आरोपी ने नशे की हालत में वारदात को दिया अंजाम। अंदर दी जाए, छोटी बच्चियों के साथ अगर बलात्कार होता है तो ऐसे आरोपी, ऐसे दोषियों 6 महीने के अंदर अंदर फांसी की सजा दी जाए। मेरठ में दबंगों की गोली से घायल युवती ने अस्पताल में तोड़ा दम, रेप की कोशिश में नाकाम रहने पर मारी गई। यूपी के हाथरस में घर के बाहर खेल रही 2.5 साल की बच्ची को अगवा कर दरिंदगी, पुलिस ने किया मामला। यूपी के जौनपुर में आधार कार्ड नहीं होने पर गर्भवती महिला अस्पताल ने भर्ती करने से किया इनकार, महिला ने अस्पताल के गेट पर बच्चे को दिया जन्म। यूपी के हापुड़ पुलिस के साथ मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश मोहन पाशी ढेर, पेशी के दौरान फरार हुआ था। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में प्राथमिक स्कूल में रसोइये ने पहली कक्षा के छात्र पर फेंकी गर्म दाल, अस्पताल में कराया गया भर्ती।
आज महात्मा गांधी की 70वीं पुण्यतिथि, पीएम मोदी ने राजघाट जाकर दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी राजघाट जाकर चढ़ाए फूल, सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे गांधी स्मृति भवन, महात्मा गांधी को पुष्पांजलि। दिल्ली सीएम के दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी किया ट्वीट, अहिंसा और भाईचारे के संदेश की आज भारत को सबसे ज्यादा जरूरत। अहमदाबाद में गांधी आश्रम में जुटे बापू को किया याद। फिर खुलेगा बोफोर्स का जिन, आज सीबीआई निदेशक की संसदीय समिति के सामने हो सकती है पेशी। आज सुबह 11 बजे संसदीय समिति की है बैठक, सीबीआई के डायरेक्टर समिति के सामने रखेंगे अपना पक्ष। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सरकार को दी सलाह, बोफोर्स मामले में सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पेटिशन नहीं दाखिल करनी चाहिए। वेणुगोपाल ने कहा जांच एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट में लंबित ऐसे ही अन्य मामले में अपना केस रखना। दिल्ली हाईकोर्ट के 31 मई 2005 के आदेश के खिलाफ एसएलपी दाखिल करती है सीबीआई, कोर्ट ने हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ निरस्त किए थे सभी आरोप। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ यूथ कांग्रेस का मोदी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। तमिलनाडु में बस की बढ़ोतरी का विरोध, रामेश्वरम में डीएमके का धरना प्रदर्शन। कोची में एक स्कूल में छात्रों का हंगामा, कैंटीन में खाने में बीफ की सप्लाई का आरोप। मध्य प्रदेश के दमोह में नियमित नौकरी की मांग को लेकर गेस्ट टीचर्स का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। राजस्थान के सीकर में मिट्टी में दबकर 4 मासूम की मौत पर बवाल, मुआवजे की मांग को लेकर स्थानीय लोगों का प्रदर्शन। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।